वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और माइनिंग प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वाह, जनसंख्या लगभग 7,25,000 निवासी, ज्यादा नहीं। ड्रॉप इट। मुझे कहते हैं अमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हैं लास्ट रिएक्शंस और या तो तुम बोल लो या मुझे बोलो। बोलो। नहीं आप बोलिए। नहीं बड़ों को हमें बोल देते हैं, क्या कहते हैं, इज्जत देते। नहीं तुम बोलो। अच्छा तो आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं टॉप 5 सिटीज इन कर्नाटका, तो देखते हैं इसको। ओके, वैसे कर्नाटका है क्या, कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई सिटी है, क्या है, आई डोंट नो अबाउट कर्नाटका। लेकिन चलो, लेकिन पहले ये पता चल जाए कर्नाटका क्या है। फिर दोस्तों ये है कर्नाटका, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। ओके, अपनी विरासत स्थलों, अपने वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है। वहीं आज के टाइम पे ये भारत के तेजी से उभरते राज्यों में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के विकासशील महानगरों का है। तो खतरनाक हिंदी इनकी, तो आबादी की दृष्टि से खतरनाक नहीं, अच्छी है। कुछ खतरनाक मतलब अच्छी हो थोड़ी स्लैंग बन तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है बेलगावी सिटी, जिसे बेलगावी के नाम से जाना जाता है। ये नामांकित बेलगाम डिवीजन और बेलगाम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो 94 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ एक खूबसूरत शहर है। अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और माइनिंग प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अनुमानित जनसंख्या लगभग 7,25,000 निवासी, ज्यादा नहीं। अच्छा लग रहा है काफी। सिटी ऐसा लग रहा है, कुछ अच्छा सिटी लग रहा है। नंबर 4, मैंगलोर सिटी। ये अरब सागर के कर्नाटक राज्य का एक मेजर कमर्शियल सेंटर है, जहाँ पर हमारे भारत का 9वां सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। वाओ। वहीं मैंगलोर कर्नाटक राज्य का एकमात्र ऐसा शहर है जो ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये शहर रेल, रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। फिर तो काफी अच्छा होगा। जनसंख्या तकरीबन 7,24,000 लोगों की है। छोटा मुंबई कहा जाता है और विद्या नगरी, पेड़ा नगरी, बेड़ा नगरी और विद्या काशी जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। इन दोनों शहरों की संयुक्त जनसंख्या तकरीबन 11,37,000 लोगों की है। इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ग्रेट, दोनों मिलते जुलते इसलिए ट्विन नाम। हाँ, मुझे छोटा मुंबई भी कहते हैं ना यार। छोटा मुंबई कहते हैं, बहुत अच्छा, कितनी अच्छी लग रही मुझे। नंबर 2, मैसूर सिटी। मैसूर सिटी स्वच्छता के मामले में भी मैसूर देश के कुछ शहरों में से एक है, जहाँ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 12,35,000 निवासियों की है। जान लेते हैं नंबर 1 के बारे में। तो इस सूची में पहले स्थान पर है बेंगलुरु सिटी, जिसे वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े आईटी हब के तौर पर जाना जाता है। तो पता है मैं कर्नाटक राज्य की राजधानी होने के साथ साथ इसका पता है, बेहतरीन शहरों में से एक है। वहीं बेंगलुरु की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 125 करोड़ लोगों की है,
जो कर्नाटक की कुल जीडीपी में 43.65% का योगदान देता है। वाओ नाइस। बैंगलोर, मुझे नहीं पता था बैंगलोर कर्नाटक का कहाँ है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके सो फर्स्ट वाले के बारे में मैं पता था बैंगलोर, बट ये नहीं पता था कि वो कर्नाटका राज्य का है। बट बाकी जितने भी सिटीज देखे सारे मतलब मुझे अच्छे सेंस में लगे, क्योंकि वहाँ पे जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं वो तो होते ही अपने बहुत अच्छे होते हैं, बट इस तरह के जो उस लेवल के लिए छोटे होते हैं, बट वहाँ पे भी इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बड़े बड़े शहरों में नहीं हो रही होती, वो चीज़ें वहाँ पे नज़र आती हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले तो हमें आई थिंक वी हैव टू रिसर्च अलॉट, और हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा वी ऑलरेडी नो अबाउट सम लाइक सिटीज़, हमें काफ़ी सारे सिटीज़ के बारे में पता है और हमने उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन भी दिए हुए हैं, जो कि यूजुअली बड़े बड़े शहर हैं सबको जो पता होते हैं वो वाले। हाँ मतलब लेकिन और भी हैं सिटीज़ हमने पूरा एक अपना एक हमें उसके बारे में भी नहीं पता था, जैसे बहुत सारे थे जो बड़े बड़े शहर हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ मुंबई के बारे में पता था। और फिर हमने जैसे रिएक्शन दिए तो हमें उसके बारे में और ज़्यादा पता चलने लगा कि अच्छा ये भी है ये भी है, और हर राज्य की हर शहर की अपनी कोई स्पेशलिटी होती है, और वो भी हमें देखने को मिली कि सिर्फ ये नहीं है कि इसी में सब कुछ है, हर चीज़ की हर जगह की अपनी अपनी कोई ना कोई बात है कोई ना कोई। और अगर रोड्स के हवाले से देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए, आईटी के हवाले से देखा जाए, तो ये नहीं है कि कोई इस तरह की कोई छोटी जगह है, सारी जगहों पे अब डेवलपमेंट हो रही है। और दूसरा एक ये बात भी है कि फिर भी इतने सारे सिटीज़ के बारे में पता होने के बाद भी अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमें अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी बाकी हैं, जो कि हमें नहीं मालूम, और इसलिए जो है इसके बारे में भी हमें नहीं पता था। बट अच्छा ये जो बात इसने कही कि आईटी और क्लीनिनेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं इनमें पहले भी हम काफ़ी सिटीज़ का देख चुके हैं, तो आई ख्याल से अब ये चीज़ ऑब्वियस हो गई है कि सब में ही ये चीज़ है, और किसी में ऐसे नहीं है कि किसी में हम कम ज़्यादा का रेशो निकाल सकें कि इसमें जो है डेवलपमेंट थोड़ी सी हमें कम लग रही है, इसमें ज़्यादा लग रही है। हर जगह डेवलपमेंट का जो स्केल है जो रेट है वो अब बहुत ज़्यादा है। तो स्पेसिफिकली बात करें अगर इस वीडियो की, तो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो है वो लोकेशंस उसके अंदर दिखाई हैं, और इंटरेस्टिंग जो इंडिया जो है वो फूड के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा जाता इंडिया है। की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इंडिया का जो कल्चर है ना, उनके जो कलर है, मतलब काफी रिच है, बहुत रिच है, इतनी चीज़ें देखने को मिलती है कि अगर आप एक्सप्लोर करना शुरू करें तो आप फिर बस करते रहेंगे। खाने वहाँ के बहुत सारी चीज़ें वहीं की इन्वेंट हुई हुई हैं, बहुत सारे खाने, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि पूरे साल में इतने फेस्टिवल्स उनके यहाँ होते हैं, जितने भाई हमारे यहाँ तो बस एक दो होते हैं, तो इतने मतलब इतने खुशी मनाने के मौके हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं, बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा। हमारे यहाँ साल में मुश्किल से दो तीन आएंगे, बड़े बड़े जो है वो ईद हो गए बकरीद हो गए, बट वहाँ जो है हर महीने दो तीन महीने बाद कोई फेस्टिवल आ रहा होता है, तो इससे क्या होता है कि मौका मिल रहा होता है आपको सेलिब्रेट करने का, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि सेलिब्रेशन के मौके हैं और कल्चर इतना रिच है कि आप उसको फुली इंजॉय कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट जो पांच सिटीज देखे, बहुत ज़्यादा मुझे ट्विन सिटीज थे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे, और इसके अंदर जो है वो दिखाया गया कि क्लीनलीनेस के हवाले से भी के जो है वो काफ़ी आगे है, और वो जो शहर था जिसमें तीनों तरह के जो ट्रैवलिंग थी, जो ट्रांसपोर्ट थे, जिससे आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी आपको हेल्प होती है, तो मेरा ख्याल से ऐसा सिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है आपकी इकोनॉमी पे भी और वहाँ के रहने वालों पे भी, जिनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, तो मुझे लगता है ये चीज़ एक अच्छी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है।
ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और जिस तरह से बनाई गई है, जिस तरह से उन्होंने इसको क्रिएट किया है, डिफरेंट लोकेशंस दी हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ में सिटीज़ के बारे में क्या कहें, जितने भी सिटीज़ हम देखते हैं सबके सब अच्छे लगते हैं, बट आज से पहले हमने इन सिटीज़ के बारे में ना हमने देखा नहीं था और हमें पता नहीं था। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन हम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो हमें अच्छे लगे हैं ये सिटीज़। होपफुली आपको हमारा रिएक्शन भी ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके आप अपनी रिक्वेस्ट में बता सकते हैं। तो यही डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।